बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, मैं आपकी क्लास फिफ्थ की माशरती उलूम की टीचर हूँ और मैं आपको माशरती उलूम पढ़ाऊँगी। आइए पहले सबक का आगाज़ करते हैं। पहले सबक का नाम है पाकिस्तान की सकाफत। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, सकाफत कहते हैं किसी इलाके में रहने वाले लोगों के रहन सहन के तरीके, उनका तर्ज ज़िंदगी। इस सबक में हम अपने पाकिस्तान की सकाफत के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि पाकिस्तान के लोगों के रहन सहन के क्या तरीके हैं। सबक के आगाज़ में मैं आपको सबक में इस्तेमाल होने वाले अहम अल्फाज की या मुश्किल अल्फाज की मायने बताऊंगी, चाहें तो आप लिख भी सकते हैं या जहन नशीन कर लें। अक्कासी मतलब ज़ाहिर करना, दिखाना। ज़ेबतन पहना हुआ। मरगूब पसंदीदा। दस्तकारी हाथ का काम। कसीरुल सकाफती एक से ज़्यादा सकाफत। सकाफत किसी इलाके के लोगों के रहन सहन का तरीका उनकी सकाफत कहलाता है, यानी कि वो किस तरह से ज़िंदगी गुजारते हैं, उनके रहने सहने का क्या तरीका है, वो किस किस्म के लिबास पहनते हैं, किस किस्म की ग़ज़ाएँ खाते हैं, उनके पसंदीदा पकवान कौन से हैं, ये सब हम सकाफत में ही इस सब का हमें सकाफत से ही पता चलता है। किसी इलाके की ज़बान, लिबास, रिवायात, रस्म व रिवाज, मेले और पकवान वगैरह सब सकाफत ही का हिस्सा हैं। बरे सगीर में मुख्तलिफ कौमें अपनी सकाफत के साथ आबाद थीं, यानी कि प्यारे बच्चों, बरे सगीर यहाँ इसलिए इस्तेमाल हुआ है कि जब हमारा वतन आज़ाद नहीं हुआ था तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान को बरे सगीर के नाम से ही जाना जाता था और उन्होंने अपने सकाफती विरसे को कायम रखा। ये सकाफती विरसा आज तक ज़िंदा है। पाकिस्तान में रहने वाले सकाफती गिरोह, यानी कि पाकिस्तान में रहने वाले कौन कौन से इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी क्या रिवायात हैं, क्या रस्म व रिवाज हैं। पाकिस्तान में सकाफत के लिहाज से मुख्तलिफ ग्रोह आबाद हैं। ग्रोह कहते हैं लोगों के मजमे को। इन ग्रोहों में पंजाबी, सिंधी, बलोची, सरायकी और कश्मीरी ग्रोह नुमाया हैं। ये ग्रोह अपने रस्म व रिवाज और रहन सहन वगैरह के लिहाज से अपनी अलग पहचान रखते हैं और एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। इन सब ग्रोहों में इस्लाम का रंग नुमाया है। मुख्तलिफ इस लिहाज से हैं कि अगर हम अपने सूबे सिंध को लें तो यहाँ के लोगों के रस्म व रिवाज, तरीक़ा ज़िंदगी अलग है। पंजाब में रहने वालों का तरीक़ा ज़िंदगी अलग है और ज़बान जो है वो सबसे अहम, किसी भी ज़बान को समझने के लिए हमें उसका समझना, उसका बोलना आना चाहिए। सिंध की ज़बान अलग है, पंजाब की ज़बान अलग है, बलूचिस्तान की ज़बान अलग है, पंजाब की ज़बान अलग है और इन सब में सबसे नुमायाँ जो एक अहम ज़बान होती है, जो पूरे मुल्क में राब्ते का ज़रिया होती है, उसको कौमी ज़बान करार दिया जाता है। और हमारी जो कौमी ज़बान है वो उर्दू है और उर्दू पूरे मुल्क में बोली और समझी जाती है। और सकाफत का एक अहम हिस्सा वहाँ के रहने वालों का मज़हब होता है, जो हर सकाफत में नुमायाँ होता है। शलवार कमीज़ कौमी लिबास है। यही वो मुश्तरक सकाफती खसूसियात हैं जिन्होंने पाकिस्तान के मुख्तलिफ सकाफती ग्रोहों को आपस में जोड़ रखा है। यानी कि पाकिस्तान में रहने वालों की सकाफत कोई सी भी हो, लेकिन वो अपने मज़हब और अपनी उर्दू ज़बान की वजह से एक दूसरे से आपस में मुश्तरक हैं, यानी कि एक जैसे हैं। उर्दू के अलावा भी पाकिस्तान में बहुत सी मुख्तलिफ ज़बानें बोली जाती हैं, मसलन पंजाबी, सरायकी, सिंधी, पश्तो, बलोची, बल्ती और कश्मीरी वगैरह हमारी इलाकाई ज़बानें हैं। मेले किसी भी कौम की सकाफत का अहम हिस्सा होते हैं। एक दूसरे मेलों में लोग एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से रबते कायम होते हैं, एक दूसरे की सकाफत के बारे में जानने का मौका मिलता है। लिबास, पाकिस्तान का कौमी लिबास शलवार कमीज़ है, जो पूरे मुल्क में मुख्तलिफ अंदाज से पहना जाता है। लोग मौसम की मुनासबत और इलाके की रिवायात के मुताबिक मुख्तलिफ तरह के लिबास पहनते हैं। यानी कि शलवार कमीज़ तो हमारा कौमी लिबास है, ये तो हमारी शनाख्त है, हम दुनिया में कहीं भी चले जाएं हमारा कौमी लिबास शलवार कमीज़ है। लेकिन इसके अलावा मुख्तलिफ सूबों में सूबाई जो है वो लिबास पहने जाते हैं, जैसे कि पंजाबी मर्दों का रिवायती लिबास कुर्ता, धोती और पगड़ी है। पंजाबी औरतें शलवार कमीज़, दुपट्टा और कुर्ता पजामा पहनती हैं। बालों में परांदे डालने का रिवाज आम है। सिंध की सकाफत बहुत कदीम है। सिंधी मर्द अमूमन शलवार कमीज़ के साथ सिंधी टोपी पहनते हैं। सिंधी औरतें शलवार कमीज़ या फ़राक पहनती हैं
और बड़ी चादर या दुपट्टा ओढ़ती हैं। अजरक सिंधी मर्दों और औरतों दोनों के लिबास का अहम हिस्सा है। बलोची मुख्तलिफ अकसाम की कमीज शलवार और कुल्ला पहनते हैं। मर्द ज़्यादातर खुले घेर वाली शलवारें और बड़ी पगड़ियाँ पहनते हैं। औरतों की कमीज़ों, दुपट्टों और फराकों पर उम्दा रंग के नक्शो निगार बने हुए होते हैं। पख्तून मर्द शलवार कमीज़ के साथ वास्कट और पगड़ी या टोपी पहनते हैं। पिशावरी चप्पल भी पश्तो आवाम में बहुत पसंद की जाती है। औरतें फलकारी वो दुपट्टा होता है जिस पर बहुत खूबसूरत से बेलबूटे बने हुए होते हैं। फ़राक और शलवार पहनना और शालें ओढ़ना पसंद करती हैं। कश्मीरी मर्द मुख्तलिफ किस्म की शलवार कमीज़ के साथ टोपी पहनते हैं। औरतें रंगीन कढ़ाई वाली फ़राक और शलवार कमीज़ के साथ स्कार्फ पहनते हैं। ये तो थे हमारे मुख्तलिफ सकाफ़तों के लिबास जो वहाँ के रहने वालों की अलग पहचान रखते हैं। लिबास के बाद पकवान भी किसी इलाके की सकाफ़त का अहम हिस्सा होते हैं। पूरे मुल्क में लजीज और मज़ेदार पकवान बनाए जाते हैं। दूध, गोश्त, सब्ज़ी, दालों और चावलों से बने हुए पकवान पूरे मुल्क की मरगूब यानी कि पसंदीदा ग़ज़ाएँ हैं। पंजाबी लस्सी, साग, मकई की रोटी, हलवा पूरी, सिरी पाए, नान चने, खीर और ज़रदा बहुत शौक़ से खाते हैं। सिंधी पुलाव, बिरयानी, नहारी खाना पसंद करते हैं। साहिल समंदर के करीब रहने वाले लोग मछली और झींगे खाते हैं। बलोची गोश्त से बने हुए पकवान ज़्यादा पसंद करते हैं। सज्जी और दमपुख्त बलोची आवाम के पसंदीदा खाने हैं। पख्तून आवाम चपली कबाब, काबली पुलाव और कहवा वगैरह पसंद करते हैं। शब्देख कश्मीरी कुलचा, शीरमाल, रोगन जोश और गुश्ताबा कश्मीरियों की पसंदीदा ग़ज़ाएँ हैं। दस्तकारियाँ यानी कि ऐसी चीज़ें जिन पर हाथ से बना हुआ काम हो वो दस्तकारियाँ कहलाती हैं। पाकिस्तान पूरी दुनिया में अपनी बेमिसाल दस्तकारियों की वजह से बहुत मशहूर है। ये दस्तकारियाँ मुख्तलिफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बनाई जाती हैं और अपने इलाके की सकाफत की अक्कासी करती हैं। जैसे सिंधी अजरक हो गई, सिंधी कढ़ाई वाले ड्रेसेस हो गए, ये सब क्या हैं, ये हमारी सकाफत का हिस्सा हैं और पूरे मुल्क के अलावा दुनिया भर में मशहूर हैं। कसीरुल सकाफती माशरे के फवायद यानी कि जहाँ जिस जगह पर या जिस मुल्क में एक से ज़्यादा सकाफत को मानने वाले लोग रहते हों वहाँ क्या फ़ायदे हासिल होते हैं। एक माशरे में मुख्तलिफ सकाफती ग्रोह आबाद हों तो उसे कसीरुल सकाफती माशरा कहा जाता है। कसीरुल सकाफती माशरे के लोगों को दूसरे सकाफती ग्रोहों के बारे में करीब से जानने का मौका मिलता है। यानी कि हम सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं तो हम पंजाब से भी लाताल्लुक़ नहीं रहते, हम वहाँ की सकाफत के बारे में भी जानते हैं, उनके लोगों से भी खुलते मिलते हैं, उनकी ज़बान, अकायद, रस्म व रिवाज और इलाकाई कहानियाँ एक सकाफती ग्रोह से दूसरी सकाफती ग्रोह में मुंतकिल होती हैं। लोगों में रवादारी, सब्र और बर्दाश्त जैसी खूबियाँ पैदा होती हैं, यानी कि एक दूसरे के लिए दिलों में गुंजाइश पैदा होती है, एक दूसरे के दिलों में अक़वत और भाईचारे का जज्बा पैदा होता है। कसीरुल सकाफती माशरा रंग व नस्ल और मजहब की बुनियाद पर इम्तियाजी सलूक की हौसला शिकनी करता है। यानी कि किसी भी सकाफत से ताल्लुक़ रखने वाले लोग चाहे उनका मजहब कोई भी हो, वो किसी भी रंग या नस्ल, तो चाहे काले हों या गोरे हों, कसीरुल सकाफती माशरा जो है वो तमाम लोगों को यकसां हुकूक़ फराहम करता है और हर तरह के इंतशार की नफ़ी करता है। ये लोगों में सब्र बर्दाश्त, बराबरी और मसावात पैदा करता है। कसीरुल सकाफती माशरे के लोग दुनिया के किसी भी हिस्से की सकाफत को अपने अंदर समो सकते हैं, यानी कि जहाँ जाते हैं वहाँ के रस्म व रिवाज, वहाँ के तरीक़ा ज़िंदगी को अपना लेते हैं। कसीरुल सकाफती माशरे के लोग सकाफती इख्तलाफात के बावजूद एक कौम की तरह रहते हैं। चाहे पाकिस्तान में रहने वालों का तर्ज ज़िंदगी कुछ भी हो, वो कैसी भी ज़िंदगी गुजारते हों, लेकिन वो सब एक ही मुल्क का हिस्सा है, एक ही मुल्क में रहने वाले हैं, यानी कि समझें कि एक ही ख़ानदान का हिस्सा है और किसी के ऊपर कोई भी मुसीबत आ जाती है तो सब एक हो जाते हैं। पाकिस्तान के लोग दूसरे मजाहिब और सकाफती ग्रोहों की इज्जत करते हैं। यानी कि पाकिस्तान में रहने वाले लोग चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, ईसाई हों, हिंदू हों, यहूदी हों, लेकिन वो पाकिस्तान में रहने वाले लोग उनसे भाइयों जैसा सलूक करते हैं, उनके भी दुख दर्द में काम आते हैं। पाकिस्तान एक कसीरुल सकाफती मुआशरा है। पाकिस्तानी लोग एक कौम की तरह रहते हैं और अपने लोगों की फलाह बहबूद के लिए मिलजुल कर काम करते हैं। यानी कि
अगर किसी के ऊपर मुसीबत आ जाती है तो एक दूसरे के काम आते हैं। इसलिए हम एक खुशहाल कौम हैं। कौम परस्ती, कौम परस्ती अपनी कौम से यकजहती, वफादारी और मुश्तरका मफादात का नाम है। यानी कि हम पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान में रहने वाला किसी भी इलाके से ताल्लुक़ रखता है लेकिन वो पाकिस्तानी कौम ही कहलाता है। पाकिस्तानी कौम ने हर मौके पर अपनी कौम से यकजहती और वफादारी का सबूत दिया है। इसकी एक मिसाल कुछ यूँ है कि 2005 में कश्मीर में आने वाले जलजले ने पाकिस्तान के लोगों को यकजा कर दिया। 2005 में जलजला आया था, मुल्क बहुत ही मुश्किल हालात का सामना कर रहा था, तो इसमें पूरे मुल्क के लोगों ने अपने आफतज़दा बहन भाइयों की दिल खोल कर मदद की और उनकी हर तरह से मदद की। इस तरह एक कौम का सबूत देते हुए पाकिस्तानी लोगों ने जलजला जदगान की मदद की। बहसियत पाकिस्तानी कौम, हम सब एक दूसरे की मदद करते हैं, वहाँ हम दुनिया के किसी भी हिस्से में रहते हों। यानी कि हम अपने ही मुल्क में रहकर अपने पाकिस्तानी भाइयों का ख्याल नहीं रखते, उनकी मदद नहीं करते, उनकी ज़रूरत में मदद नहीं करते। हम चाहें पाकिस्तान के अलावा दुनिया के किसी भी हिस्से में रहते हों, अगर हमारे मुल्क में हमारे पाकिस्तानी भाइयों को, हमारी पाकिस्तानी कौम को हमारी मदद की ज़रूरत होती है तो हमारे पाकिस्तानी भाई, हमारी पाकिस्तानी कौम हर कदम पर अपनी कौम के साथ होती है, अपने पाकिस्तानी भाइयों के साथ होती है।